हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ प्लस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक के बारे में कि जो आयुर्वेदिक दवाइयां आती है उससे हमारी खराब किडनी वापस सही हो सकती है या फिर नहीं। तो देखिए, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको किडनी से संबंधित डायलिसिस हो या फिर किडनी ट्रांसप्लांट हो इसके बारे में आपको डिटेल से बताता रहूंगा। तो देखिए, आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में बताने से पहले मैं मेरे बारे में आपको बता देता हूं कि जब मेरा डायलिसिस स्टार्ट हुआ था उस टाइम मेरा क्रिएटिनिन का लेवल 10-11 के आसपास था और मुझे किडनी खराब होने का अचानक से पता चला था। और जब पता चला तो मुझे तुरंत एम्स में एडमिट करवा दिया। वहां पर मेरी 2 दिन तक रिपोर्ट चली और उसके बाद मेरा डायलिसिस स्टार्ट कर दिया। डायलिसिस के 3 या 4 दिन बाद मेरे हाथ पर एक पिस्टूला बना दिया गया और रेगुलर हफ्ते में 2 बार मेरा डायलिसिस स्टार्ट कर दिया। फिर एक दिन मुझे एक फीमेल पेशेंट मिली, उसने बताया कि आप आयुर्वेदिक दवाइयां लो, उससे क्या होगा कि आपका जो क्रिएटिनिन का लेवल है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और एक दिन आपकी डायलिसिस बंद हो जाएगी। और उसने साथ में यह भी कहा कि जब मेरा भी हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता था तो उस टाइम मैंने आयुर्वेदिक दवाइयां ली और उससे मेरा धीरे धीरे क्रिएटिनिन कम होकर आज मेरा डायलिसिस बिल्कुल भी बंद हो गया है। तो इसके बाद मैंने भी आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जो सोशल मीडिया आता है उस पर सर्च की, जैसे यूट्यूब हो गया, इन पर तो उनमें बहुत सारे वीडियो निकल कर आए और हर वीडियो में यही दावा किया जा रहा था कि एक बार आप आयुर्वेदिक की दवाइयां अपना कर तो देखो, आपका डायलिसिस धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे तो डॉक्टर ने यह बताया था कि आपको लाइफ टाइम या तो डायलिसिस करवानी पड़ेगी या फिर किडनी ट्रांसप्लांट, पर यहाँ तो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं वो खराब किडनी को वापस रिकवर कर देती है। तो सच में मैं बहुत खुश हो गया कि अब ना तो डायलिसिस करवाना पड़ेगा और ना किडनी ट्रांसप्लांट। इसके बाद मैंने जो आयुर्वेदिक दवाइयां आती है वो लेना स्टार्ट कर दिया और 2 साल तक लगातार मैं जो आयुर्वेदिक दवाइयां आती है वो लेता रहा और इसके साथ ही मेरा डायलिसिस भी चलता रहा। लेकिन 2 साल बाद जो रिजल्ट निकल कर आया वह यह आया कि पहले हफ्ते में मेरा 2 बार डायलिसिस होता था लेकिन बाद में ये बढ़कर हफ्ते में 3 बार हो गया। इसके बाद मैंने जो ये आयुर्वेदिक दवाइयां आती है ये लेना बिल्कुल भी बंद कर दिया। फिर मैं एक दिन ऐसे पेशेंट से मिला जो 6-7 सालों से डायलिसिस करवा रहा था। तो मैंने उनसे भी पूछा कि आपने कभी आयुर्वेदिक दवाई नहीं ली क्या? तो उन्होंने कहा कि मैंने 5 साल तक आयुर्वेदिक दवाई ली और कम से कम 5 या 6 लाख रुपए तक मैं दे चुका हूँ। फिर हाथ तक कर मैंने ये सब कुछ जो आयुर्वेदिक दवाई आती है ये बिल्कुल भी बंद कर दिया। और उनके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप इन आयुर्वेदिक के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना क्योंकि आपके पैसे और समय दोनों ही बर्बाद होंगे। तो दोस्तों, ये जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो हमारी किडनी पर भी डिपेंड करता है। इसमें देखिए, किडनी है वो हमारी खराब होती है वो 2 प्रकार से होती है। इसमें फर्स्ट है एक्यूट किडनी डिजीज और सेकंड है क्रोनिक किडनी डिजीज। अगर हम यहाँ एक्यूट किडनी डिजीज की बात करें तो यह क्या है कि अचानक से खराब होती है, ठीक है, और इसका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो तो बढ़ जाता है लेकिन ये रिवर्सिबल होती है, यानी कि वापस रिकवर होकर फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर जो हमारी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं वो कभी कभार काम कर जाती है। लेकिन अगर हम क्रोनिक किडनी डिजीज के बारे में जाने तो यह लंबे समय से धीरे धीरे खराब होती है और लगभग पेशेंटों को इसका तब पता चलता है जब हमारी किडनी 80% से ज्यादा खराब हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं करती और इसका जो फर्स्ट एंड लास्ट ट्रीटमेंट है वो एक ही है और वो है किडनी ट्रांसप्लांट कराना। अब कई आयुर्वेदिक डॉक्टर है जो बोलते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयों से जो हमारी किडनी खराब होती है वो वापस रिकवर हो जाती है, लेकिन देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। किडनी एक हमारी बॉडी का ऐसा जटिल ऑर्गन है, मतलब इतनी आसानी से हर किसी की समझ में नहीं आता। जो हमारे एलोपैथी के डॉक्टर्स है या फिर साइंटिस्ट है वो किडनी के बारे में बहुत सारी रिसर्च करके बैठे और इन रिसर्च में उन्होंने यही पाया है आखिर में कि अगर एक बार किडनी खराब हो जाती है उसके बाद कभी भी वापस रिकवर नहीं हो सकती। चाहे आप कोई सी भी, चाहे होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो, इनमें से कोई भी दवाई ले लो, एक बार किडनी खराब हो गई उसके बाद रिकवर वापस नहीं होती। इसका एकमात्र यही उपाय है कि या तो आप लाइफ टाइम तक डायलिसिस करो या फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराओ। और यहाँ अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप डायलिसिस के बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है और वीडियो का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पर आप जाकर देख सकते हो।
तो देखिए मेरा तो यही कहना है कि जो सीकेडी के पेशेंट है वो इन आयुर्वेदिक के चक्कर में ना पड़े। इससे अच्छा है कि आप एलोपैथी के जो डॉक्टर है, जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, उनसे अपना ट्रीटमेंट ले, और अगर आपको कोई किडनी डोनेट करने वाला है तो आप जहां तक हो सके जल्दी से जल्दी अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करवा ले। इसके बाद जो आपकी लाइफ है वो बिल्कुल भी परफेक्ट हो जाएगी। इसमें कुछ प्रिकॉशन है, उनका जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा लाइफ टाइम, और बाकी आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल जैसी हो जाएगी।